रूस पर नरसंहार के आरोप सिर्फ बूचा ही नहीं लगे हैं, बल्कि कीव के करीबी शहरों में भी रूस ने जुल्मो सितम की तमाम इंतहा को पार कर दिया है। और बूचा में जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि 45 फीट लंबी कब्र है, और ये बताया जा रहा है कि इस कब्र में कई लोगों को दफनाया गया है। उनतालीस दिनों की जंग ने यूक्रेन में लाशों के ढेर लगा दिए। यूएन गिनती गिन रहा है, यूक्रेन भी गिनती कर रहा है, और रूस पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। बूचा, इरपिन और मारियोपोल में रूसी फौज के कत्लेआम पर पूरी दुनिया में उबाल है। बूचा में लाशों के ढेर लगे तो रूसी सेना के जाने के बाद उन्हें दफनाने का इंतजाम किया गया। सैटेलाइट कैमरे ने उस सामूहिक कब्रगाह को कैद किया है। ये बूचा का सेंट एंड्रयूज चर्च है, जिसके करीब 45 फुट लंबी खाई खोदी गई। इसी खाई में लाशों को दफनाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक बूचा में 300 से ज्यादा शव मिले। ये सैनिक नहीं थे, वे गुनाह लोग थे जिन्हें बेमौत मार डाला गया। यूएन की मानवाधिकार एजेंसी का कहना है कि 24 फरवरी को जब जंग छिड़ी, तब से लेकर अब तक 3455 नागरिक मारे जा चुके हैं। अगर मारियोपोल, इरपिन, इजियम और वोल्नो खावा के आंकड़े मिला दें तो जान गंवाने वालों की तादाद न जाने कहां पहुंच जाए। इस बीच सुमी से रूसी सैनिकों के पीछे हटने की खबर है। सुमी इलाके का जिम्मा संभाल रहे यूक्रेनी कमांडर ने दावा किया कि चर्निहिव से आए यूक्रेनी सैनिकों ने रूसियों को खदेड़ दिया है। हालांकि ये चेतावनी भी दी है कि रूसियों के छोटे छोटे ग्रुप्स अब भी इन इलाकों में हो सकते हैं। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि होस्तोमेल में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी महिलाओं के साथ रेप किया और कई लोगों के सर में गोली मारी गई है। वहीं 40वें दिन रूस ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने काला सागर के किनारे बसे ओडेसा पर 3 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें भारी तबाही हुई है। रूस ने ओडेसा की तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है। आज तक ब्यूरो।